Hey guys, what's up? कैसे हो आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो गया है और आज थोड़ा लेट भी हो गया हमारा, क्योंकि रात में मिस्टर राज का तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गया था। उनको इतना खांसी आ रहा था, मैं बोली कि मेडिसिन आप ले लो, लेकिन बोल रहे थे कि यार जैसे मेडिसिन खाते हैं ना, मतलब सीरप है और उससे ना पीने से काफ़ी नींद आती है, तो वो नहीं पी रहे थे। बोल रहे थे कि मैं बाद में पीऊँगा सोने के टाइम, उसके बाद तब तक मैं सो गई, क्योंकि कल रात को मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब थकान सा लग रहा था, इसलिए मैं कल रात में जल्दी ही सो गई और कल रात में सब लोग जल्दी सो गए थे। फिर 2 बजे रात को इनका पूरा बॉडी पेन वगैरह होने लगा, तो मेरे को बोले कि तुम सो रही हो, पूरा बॉडी पेन हो रहा है मेरा। फिर मैं नींद में ही ऐसे थोड़ा सा दबा के फिर सो गई। मैं अभी तक मिस्टर राज भी सोए हैं, मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रखी है। अभी मैं हूँ किचन में, तो किचन की सफाई हो गई है। अभी जस्ट मैंने किचन साफ कर दिया, सारा बर्तन पूरा फैला हुआ था ना, तो रात में सारा कुछ सही किया था लेकिन पता नहीं कैसे पूरा फैल गया था। उसके बाद से अभी इंजा भी है, तो अभी बर्तन वगैरह धो रही है। तो अभी मैं ऊपर का पूरा स्लैब वगैरह साफ कर दी हूँ। अभी यहाँ भी थोड़ा नीचे चिक चिक पूरा करता है, तो इसलिए नीचे थोड़ा सा झाड़ी वगैरह लगा देती हूँ। इसके बाद से बनाऊंगी खाना, खाने सब्जी वगैरह। देखती हूँ मम्मी के लिए कुछ अलग, मतलब सिंपल सा खाना खाना है मम्मी को, इसलिए मम्मी के लिए सिंपल सा खाना बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहना वीडियो में, और वीडियो कैसे लगी अभी तो स्टार्ट ही किया, तो वीडियो अच्छी लगे शेयर करना। बाकी भी सब्जी जा रही है, तो सब्जी जा रही हूँ काटने। तो अभी बैठी हूँ सब्जी काटने। सब्जी में ये गोभी और ये है धनिया पत्ता और आलू काटना है, क्योंकि मटर रात में ही छील दिया था, तो भी आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने वाली थी। वैसे मम्मी के लिए साग बनाना था लेकिन साग शायद मिला नहीं, इसलिए अब आलू गोभी मटर का सब्जी बनाने जा रही हूँ। फिर रोटी बनेगा, तो आप लोग देखते रहिए। बाकी इसमें प्याज वगैरह भी है, ये भी काटना है। मैंने गोभी कट कर दिया, अब आलू कट करना है हमको। अब आलू कट कर देते हैं, धनिया ये है धनिया पत्ता। तो सब्जी वगैरह काट लिया मैंने, यहाँ है आलू और ये है गोभी जो अभी बॉयल हो रहा है, बाकी मटर को भी अभी बॉयल करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी सब्जी बनाते हैं और इसके बाद से आगे काम करते हैं। हे गाइस, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैं बनाने वाली थी सब्जी, बनाने वाली थी नहीं, बनाने जा रही थी सब्जी आलू गोभी मटर का। और यहाँ पे तेल डाल दिया था, उसके बाद से प्याज मैंने छील के रख दिया था, क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उसको प्याज को छील के फिर धो के तब मैं काट के फिर इसमें डाली थी। और यहाँ पर अभी सब्जी धो रही थी, बाकी गोभी बॉयल हो गया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिया, मिर्च डाल दिया और उसके बाद से आलू डाल दिए। एक तरफ इसको फ्राई कर रही हूँ और ये बॉयल हो गया पूरा। सबकी तबीयत ख़राब है अभी, और यहाँ पे भी मैं बनाई हूँ सब्जी आलू गोभी मटर की। एंड अभी बनाना है रोटी, मैंने ब्रश करके ना हाथ धोया, कभी तो कुछ खा ही नहीं है, तो पूरा एकदम हालत ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है खड़ा ही नहीं होना बन रहा है। तो अभी मैं मिठाई बोली हूँ खाने के लिए, काला वाला तो मैं खाती हूँ, मीठा बोलने के लिए स्टार्ट कर दी। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ आलू गोभी मटर का सब्जी बना है, कितना टेस्टी दिखने में लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा लग रहा है, लगेगा फिर वहाँ बहुत गर्म है। और सब कुछ बॉयल कर दिया है मैं, गोभी मटर ये सब बॉयल करके बनाती हूँ सबके लिए। मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और अभी जा रही हूँ चटनी बनाने के लिए। आप लोग बने रहना और देखो आप लोग ये कैसा लग रहा है देखने में। बाकी जो और मसाला डाल रहा है, जो क्रीम वगैरह छोटे होता है, वो सब कुछ डालूंगी मैं। आप लोग बने रहो। नाश्ता वगैरह बन गया और अभी बस दाल चावल बनाना है, क्योंकि सब्जी में मैंने 2 बार टक्का बना दिया है, नाश्ता में भी हो जाएगा। अब देखते हैं चटनी वगैरह। हाँ मम्मी अभी जस्ट नाश्ता करके, और उनको फीवर है, तो फीवर वाला भी दवा कल का डॉक्टर दिया है, तो अभी जस्ट दवा दिया मम्मी को, और अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अभी मम्मी को रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस यहाँ मिस्टर राज भूल गए हैं, इनको इतना खांसी हुआ था ना, ये रात में 2 बज रहा था, 1:54 हो रहा था, 2 के 3 बजे था,
तब से ये इतना खांस रहता है, और सूखा खांसी है ना, ड्राई है पूरा, तो खांसे टाइम ना एकदम लगता है कि बाहर ही नहीं निकलता है, जैसे मेरे को हो गया था एक बार, बहुत ज्यादा निकलता है, जैसे जैसे सो ना तभी होता है वो, उठ के बैठो तो नहीं होता, और रात के टाइम में खांसी ज्यादा ही होता है। तो ये रात को मेरे को बोल रहे थे कि बहुत खांसी, तुम तो आराम से सो रही हो, मैं तो सच में कल रात है ना, मेरे को एकदम लग रहा था कि पूरा सर मेरा हिल रहा है, इसलिए मैं कल रात में जल्दी सो गई थी। तो फिर इनका बॉडी पेन हो रहा था, प्लस दवा भी खा रहे तो भी ठीक नहीं हुआ अभी, तो देखते हैं कब तक ठीक होगा। बाकी गर्म पानी वगैरह लग रहा है पीने से, ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। और अभी मेरे को बनाना है चावल और दाल, थोड़ी देर में बनाऊंगी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो कब आएगा, तो वो देखते हैं, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है किसी का, इसलिए नहीं तो सब साथ में ऐसे गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे ना, सब फैमिली के साथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखते हैं कब हो रहा है। बाकी अब तो इतना जल्दी होली भी आने वाला है, होली 8 तारीख को है ना, होली 8 तारीख को है, और इस बार का भी होली, मतलब हम लोग यहाँ, हम लोग तो हर बार होली में यही रहते हैं, एक पिछली बार वहाँ पे ऐसे अबीर वगैरह खेल के, पिछले टाइम सब लोग था तो उस खेल वेल के फिर हम लोग आए हुए थे यहाँ पे होली खेलने, और होली में यही अच्छा लगता है, होली दिवाली छठ पूजा जो भी कुछ होता है यहीं पे अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा सा भी मैं भी आराम से बैठ जाती हूँ, उसके बाद जाके बनाऊंगी, तो पैर इतना दर्द हो रहा था, और मेरा क्या ना ब्रश करके कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, जिसकी वजह से ना मैं खाती नहीं हूँ, प्लस पेट में भी दर्द होने लगता है मॉर्निंग में। तभी जस्ट मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और पहले से मैं पतली भी हो गई हूँ थोड़ा सा, सब लोग बोल रहे हैं कि पहले से, पिछली बार आई थी तो ठीक थी, इस बार ज़्यादा पतली हो गई है तो लग रहा है, क्योंकि इस बार ना ट्रैवल भी हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत इधर उधर जाना हो गया था जनवरी में, आप लोग देखे ही होंगे, दिल्ली तो इतना बार आना जाना हो गया था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बाहर कैसे खाना पीना हो गया था, और बाहर हम लोग खाते हैं तो चावल ये सब राइस और रोटी वगैरह ही खाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसा होता है, तेल भी बहुत सारे लोग बोलते खराब होता है तो पता नहीं क्यों। लेकिन अब मिलते हैं थोड़ी देर में, आप लोग वीडियो में बने रहो, अब थोड़ी देर बाद क्या मिलूंगी, वीडियो का एंड ही कर देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे ना तभी नेक्स्ट वीडियो दिखेगी, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और डेली डेली सब्सक्राइब हम लोग बोलते हैं करने के, तो डेली सब्सक्राइब मत करना नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आप लोग, ताकि कोई भी वीडियो आती है ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो आपका आता है पता नहीं चलता है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, और जाता है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है राजमनीषा सचिन, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि उस पर भी हमारी शॉर्ट्स वीडियो आती रहती है, और अभी इधर तो अभी नहीं बना रही हूँ, लेकिन शादी पार्टी एनिवर्सरी का सारा वीडियो आया है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।